हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त वैशाली और मुझे लग रही थी भूख। तो सबकी छोटी छोटी भूखों का तोड़ है मैगी, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैगी बना लेती हूँ। अब मैंने रखी कढ़ाई, जिसे थोड़ा नाप के देख लिया कि गर्म है कि नहीं। उसमें डाला तेल, सरसों और उसे अच्छे से चला के भून लिया। अब मैंने इसमें डाला बारीक कटा हुआ अदरक और उसे चला कर भून लिया। अब मैंने डाली प्याज, नहीं बहुत सारी प्याज क्योंकि मुझे प्याज बहुत पसंद है। अब मैंने इसे भी चलाकर अच्छे से भून लिया। अब इसे काफी देर चलाने के बाद, जब तक मैं इसे चला रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पर हाँ, घंटे बजाना मत भूलना, शेयर तो कर ही देना। चलो ये भून गया। अब मैंने इसमें डाली गाजर जो कि जूलियंस में कटी हुई है। अब इसे भी अच्छे से चला लिया और इसे भून लिया। शिमला मिर्च कटी हुए, टमाटर डाल दिए और ये कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, काफ़ी सारी वेजीज, तो ये हेल्दी भी है। अब इसे चला चला कर भून लिया अच्छे से। और इसमें डाली लाल मिर्च, और हाँ इसमें मैंने नमक भी डाला था, वो शायद दिखा नहीं। अब मैंने इसमें डाली शेजवान चटनी, वो भी 2 चम्मच। अब मैंने टमाटो केचप डाले 2 चम्मच और फिर इसे अच्छे से चला लिया। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद और इसे भून लेने के बाद मैंने इसमें डाला पानी और इसे फिर दोबारा मिक्स कर लिया। अब मैंने डाली मैगी। और मुझे लंबे लंबे नूडल्स पसंद है, तो मैंने इसे तोड़ा नहीं और इसे अच्छे से चलाकर मिक्स भी कर लिया और पका लिया। मुझे इसके लंबे लंबे नूडल्स बहुत पसंद है और इवन ये काफ़ी टेम्पटिंग सी लग रही है। मैंने इसमें थोड़ा सी उसमें चटनी डाल दी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी। आप लोग से अपने घर पे ट्राई करिए और खाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगी मेरी ये रेसिपी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।